तो कभी ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं एक दूसरे के साथ? बहुत. क्या? अरे नौटंकी है. नौटंकी. लास्ट एक दूसरे के मतलब हमें गाना सुनने आप दोनों. पता था मुझे आके, पता था मुझे. बट वो गाना ऐसा है जो आप दोनों ड्यूट गाएंगे. अच्छा ये कोई स्पेसिफिक गाना है? नहीं कोई भी आप लोगों की चॉइस का हो सकता है. अभी नहीं दिमाग में आएगा. यू नो एनी सॉन्ग? नहीं इससे नहीं जा सकते. ये तो गोल्डन हमारा इंटरव्यू है, इसमें तो इसको हमने रैप अप. गोल्डन कैसे है? यू आर नॉट वेयरिंग गोल्डन. इट्स लाइक हार्ड. आई एम अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, सो इट्स अ गोल्डन इंटरव्यू. सेज यू, यू गॉट मैरिड टू मी. पता नहीं था ना. पर अब दोबारा नहीं करोगी मुझसे शादी? अच्छा मैं तुम्हें अगर मिलूं दोबारा. अच्छा चुप हो जाओ यार. अच्छा जब पूछे क्या पूछ रहे थे? आपका अच्छा सवाल लग रहा है. नहीं अगर अब ये मुझे पहले पूछ, तुम पहले जाओ, मतलब रिवर्स कर लेते हैं ना जिंदगी को. ठीक है. और मैं तुम्हें मिलूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच बताओ. देखो ऑन एयर जा रही हो. मैं तुमसे 100 बार शादी करने को तैयार हूँ. 100 अलग अलग जन्म में, क्योंकि नहीं होते, एक ही होता है. लेकिन अगर हो, मैंने तो ये भी कहा तुम मुझे हूर चाहिए हो जन्नत में. यस. और ये बात स्टैब्लिश कर ली मैंने कि मैं तो जन्नत में जाऊंगा. अभी मैंने ना अल्लाह पे यकीन है इस बात का कि यार वो दोजख में नहीं डाले. मैंने कहा I want you as my हूर. हम डिलीट कर देंगे ऐसे कमेंट्स को. नहीं सुने, अल्लाह ना करे कि ऐसे कमेंट्स हैं. बट अब नोइंग हिम, भोली बानो पे वो वाला सीन, अगर हम दोबारा वापस पास्ट में जाएं, और तब तो आप क्या करते हैं? हमने इस बारे में बात की है. मुझे लगता है कि अगर हम उस वक्त हाँ करते और अगर हम दोनों साथ होते तो हमारा रिलेशन ज़्यादा अर्से नहीं चलता. हर चीज़ का एक सही वक्त होता और सही जगह होती है, वो ज़रूरी है. चलिए इस पे गाना हो जाए. कौन सा बताओ? कौन फेवरेट गाना, कौन सा क्या सुन रहे हैं आजकल? और कोई पाकिस्तानी हो प्लीज. आजकल अच्छा हमारी इतनी कोई दुखी प्लेलिस्ट है. वो वाला सुना है अकेले ना जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना हम क्या जिएंगे. एक वो भी अच्छा है, वो दोनों आप गा सकते हैं. मैं पाकिस्तानी सुनी ताकि कॉपीराइट क्लेम नहीं आए हमें. मैं किस्सा सुनाती हूँ. किस्सा ये है कि हम गए मेहंदी में, ठीक है, और उसमें कवाली चल रही है. और कवाली के अंदर उन्होंने कहा कि कवाली नित खैर मंगा सोने मैं तेरी. और एक बंदा मेरे साथ जज्बात है, कहता है नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, तू आजा कोई होर मंग दी. आई वाज लाइक डूड एक मिनट, क्या बोला तुमने? कहता तू आजा कोई होर मंग दी. मैं कहा यू नो व्हाट डज दैट मीन? मैं कहा कोई होर मंग दी? मैं कहा इट मीन्स दुआ ना कोई होर मंग दी. कहता हाँ ओके. कहता मैं बचपन से लड़ने का नाम है. गुड गुड गुड. तू आजा कोई होर मंग दी, मतलब कोई और चाहिए तुम्हें? क्या 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 है? मुझे यही समझ आया. गवाओ गाना. मुझे नहीं आ रहा ये. मैंने इसके लिरिक्स निकाले मैं तेरे संग कैसे, या अकेले ना जाना, जो भी गा लो भाई. अकेले ना जाना, अकेले ना जाना. जरा सोशल बड़ी जल्दी याद आया. हम आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो गए ना. ये अब थोड़ी देर बाद आएंगे हम करके, फिर वो कहेंगे कि कमरा नहीं है. ये सब जा रहा है ऑनलाइन सोच ले भाई. अब शादी हो चुकी है. नहीं नहीं इवन देन बताओ. इवन देन और बेगमात के साथ पीडीए भी क्या करें एयरपोर्ट पे, मिल लिया करें गले यार. हां मतलब पूरे खानदान से मिलते हैं, बीवी से नहीं मिलते. मतलब बीवी ऐसा होता है क्या? अरे हाँ मतलब अच्छा वो बीवी को अगर यूं क्या हो गया. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ और करें, लेकिन अच्छा एक और चीज, आप बीवी को थप्पड़ मार सकते हैं आवाम में खड़े होके, कोई बात नहीं, आपस की लड़ाई होगी. हग नहीं कर सकते उसको, यूं उसका हाथ नहीं पकड़ सकते. उसका हाथ पकड़ा होता है तो वो भी पहले लाइक के वो हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, आप छोड़ दे. चलो तुम शुरू करो. आई मैच योर ट्यून ना. अकेले ना जाना हमें छोड़कर यूं, हमें छोड़कर यूं. ओके तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे. मैं हमेशा से ये सुनना चाहती थी इसलिए आई वाज लाइक पहले तुम गाओ. She's so cute, Arez. You have to admit to it. Now I know. Okay.
गाया ना मैंने यही गाऊं अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे अकेले ना जाना Thank you so much. Thank I you really, so much. really appreciate both of you. Thank you. Phone le lo. हाँ बिल्कुल. Phone आ गया. शाजिया बाजी की बात. अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे भी है ना कि हम यूँ दिखाते हैं देखो फोन आ रहा है बहुत अच्छी बात है नहीं है ओके थैंक यू सो मच आई रियली 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 अप्रिशिएट दिल से शुक्रिया फॉर कमिंग taking out time mujhe pata hai aap log kitne busy hain dono mashallah se shoot kar rahe hain but I would like to apologize kyunki mujhe yaad hai we're not doing that please I get it but the point is ki mujhe yaad hai ki hum mere hamnashin ke time pe maine bahut baar Arez ko actually kaha tha that I want to go and for pehchan specially I wanted to come sit and talk about it because pehchan was such a sensitive topic aur matlab बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ था कि बहुत सारी खवातीन ने उसकी नीचे लिखा था इसमें क्या हो गया ये क्या बात है इसमें क्या हो मतलब हमने आशी डिस्कस किया था और हमने कहा कि अगर हम दोनों में से किसी एक के साथ भी ऐसा हो कि पूरी ज़िंदगी आप मैं इसको किसी और नाम से बुलाती रहूँ और फिर मतलब आप कैसे एक औरत होकर कैसे बोल सकती हैं कि ये क्या हो गया सो वॉट ऐसा तो होता है मतलब मुझे लगता है ये पहले यहाँ घर से शुरू करें आप बिल्कुल अपने आप से शुरू करें यस एंड मेरे हमनशीन के लिए भी मुझे याद है कि आपने मुझे कहा था कि आई नीड टू टॉक और पूरा सब एक साथ आके और मैं बहुत चाहती थी कि हम आके बात करें बट आई थिंक मैं ट्रैवल कर रही थी फिर तबीयत ख़राब फिर हमारा काम वगैरह सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी बट यस सो When it was meant to happen, it has happened, and I think बड़े सही time पर अच्छा हुआ है But मैं शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अपनी personal ज़िंदगी के बारे में बात करना आसान नहीं होता और जो लोग ये करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए वो बहुत मुझे लगता है आप सर्विस कर रहे हैं हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एज एन इन्फ्लुएंसर एज अ पर्सन जो जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं आपकी बात सुनी जाती है तो अगर आज 4 से 5 लड़के लड़कियाँ भी आपकी बात सुन के कोई 4 कपल्स ने बैठ के डिस्कशन की उनकी शादी बेहतर हो जाती है तो ये कितनी खूबसूरत बात है ना हमें लाखों करोड़ों के बजाय तो इसका मकसद यही था सो आई एम रियली ग्रेटफुल दिल से कि आप लोगों ने अपनी ये बातें शेयर की और हमने हंसी भी की थोड़ा मजाक भी किया और थोड़ी सीरियस बातें भी की और आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं मैंने खुद आज बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप कि जो लोग सुन रहे थे उन्होंने चीज़ें पिक की हों और ये थॉट्स ये ख्यालात ये सोच जो है ये बड़ी ज़रूरी है कि हम उसको एक डायरेक्शन देना शुरू करें और इस पर बात करना शुरू करें सो इसलिए दिल से शुक्रिया आप दोनों का और फिर गाया भी आप दोनों ने सही ये हुआ